अभी तक हमने भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के विषय में विस्तार से जान लिया है। अब हम रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के विषय में जानेंगे। रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था हमें रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलती है। हम बहुत सी रासायनिक प्रक्रियाओं से परिचित हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तथा उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अंत में अभिक्रिया के समाप्ति पर हमारे पास अभिकारक नहीं होते हैं, जबकि उत्पाद की मात्रा हमारे पास होती है। इस तरह से हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, लेकिन वास्तव में बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं। बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारकों की मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है, और जैसे ही उत्पाद की कुछ निश्चित मात्रा प्राप्त हो जाती है, ये आपस में मिलकर पुनः अभिकर्मकों में परिवर्तित होने लगते हैं, और इस समय अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, और इस तरह से ये अभिक्रियाएं पूर्ण नहीं होती हैं। अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं अथवा नहीं होती हैं, इसके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बांटते हैं। एक, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इररिवर्सिबल रिएक्शंस, और दूसरी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। जानते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, यानी कि इसमें सभी अभिकारक या अधिकांशतः अभिकारक परिवर्तित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और जैसे ही अभिकारकों की सांद्रता समाप्त होती है, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। उदाहरण के लिए, यदि हम सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं, तो वैसे इनके बीच तुरंत रिएक्शन होती है और यहाँ पर हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब यहाँ पर जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है, तो हम देखेंगे प्रायोगिक रूप से अवक्षेप की विशेषता होती है कि ये या तो जो भी हमारा अभिक्रिया मिक्सचर होता है, विलयन होता है, इसके ऊपर जाकर स्थिर हो जाते हैं, या फिर ये बिल्कुल जो अभिक्रिया मिक्सचर है उसकी तली पर जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है या विलयन होता है उसमें वितरित नहीं होते हैं, और इसीलिए पुनः अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। और इसी तरह से जैसे ही अवक्षेपण जो भी उत्पाद है उसमें से यदि एक जो उत्पाद है वह अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है, तो यह अभिक्रिया दूसरी या प्रतीत दिशा में नहीं चल पाती है और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का दूसरा उदाहरण है उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें हम जानते हैं कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं, तो ये अभिक्रियाएँ भी जब तक हमारे पास अभिकर्मक होते हैं आपस में इनकी क्रिया होती रहती है, और पूरी तरह से जो अभिकारक हैं वह लवण और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार की और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, प्रायः वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि खुले पात्र में कराई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब खुले पात्र में गर्म किया जाता है तो यह टूटता है, विघटित होकर यह कैल्शियम के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब चूंकि यह अभिक्रिया खुले पात्र में हो रही है, इसलिए बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यह वातावरण में वितरित हो जाती है और पुनः कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि अभिकर्मक में परिवर्तित होने के लिए उपलब्ध नहीं होती है, और इस वजह से यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी ओर हम बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। उत्क्रम यानी कि दो ऐसी अभिक्रियाएं जो कि दोनों ही दिशाओं में बराबर रूप से चलती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के बहुत से उदाहरण हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, इनमें ही साम्यावस्था स्थापित होती है तथा ये अभिक्रियाएं बंद पात्र में कराई जाती हैं, और बंद पात्र में होने पर ही इसमें साम्यावस्था स्थापित हो पाती है। इसकी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, जब हम हाइड्रोजन
गैस की क्रिया आयोडीन गैस के साथ कराते हैं तो उत्पाद के तौर पर हमें हाइड्रोजन आयोडाइड गैस प्राप्त होती है। कुछ समय के पश्चात जैसे ही, क्योंकि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो उस समय हमारे पास केवल अभिकारक यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस होते हैं। जैसे ही अभिक्रिया कुछ आगे बढ़ती है और हमें हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होती है तो चूंकि यह अभिक्रिया बंद पात्र में कराई जा रही है तो वापस ये हाइड्रोजन आयोडाइड विघटित होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बना देती है और यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। इसी तरह से और भी उदाहरण है, जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करना, या इसी तरह से हम देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करना। इसी तरह से हम कुछ द्रवीय अभिक्रियाओं को भी ले सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड जो कि द्रवित अवस्था में है उसकी क्रिया जब हम एथाइल अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एस्टर तथा जल प्राप्त होते हैं। कुछ समय के पश्चात यह अभिक्रिया प्रतीप दिशा में होने लगती है जिसमें कि बना हुआ जो एस्टर है वह पुनः जल अपघटित होता है और एसिटिक एसिड तथा एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम ले सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को बंद पात्र में हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय के पश्चात पुनः यह क्लोरीन गैस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करती है और वापस हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलने लगते हैं। इसी तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड का विघटन। जैसे कि मैंने अभी बताया, कैल्शियम क्लोराइड का विघटन यदि हम खुले पात्र में कराते हैं तब तो यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया में का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यह वातावरण में वितरित हो जाती है। लेकिन इसी अभिक्रिया को यदि हम बंद पात्र में कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या अभिक्रिया मिश्रण में से बाहर नहीं जा पाती और इस तरह से पुनः जो उत्पाद हमारे पास हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह दोनों आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखें बहुत सारी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं और इनके उदाहरण को हम आगे और भी समझेंगे। तो इस तरह से यदि हम पूरी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लक्षण या उनकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं ये भौतिक प्रक्रमों तथा रासायनिक प्रक्रमों दोनों में हमें मिलती हैं। इसके पहले भौतिक प्रक्रमों में हमने इनके उदाहरण देखे हैं और दोनों में ही साम्यावस्था स्थापित होती है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें कि ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है यह तीव्र होगी या मंद गति से होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया की जो प्रायोगिक परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, या इसके अलावा जो अभिकर्मक हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं चूंकि ये पूर्ण नहीं होती हैं लेकिन साम्यावस्था पर ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कितना पूर्ण हो चुकी हैं, कितनी प्रतिशत पूर्ण हो चुकी हैं, इसके आधार पर हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को तीन वर्गों में बांट सकते हैं। ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कि अभिकर्मक लगभग 90-98% तक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके पश्चात साम्यावस्था स्थापित होती है। दूसरे प्रकार की वे अभिक्रियाएं जिसमें कि जब अभिक्रिया शुरू होती है और उसके तुरंत बाद ही साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया है मात्र 5-10% ही हो पाती है और इस स्थिति में हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो अभिकर्मक हैं वो क्रिया अभिक्रिया के न होने की वजह से व्यर्थ हो जाते हैं। इसके प्रकार इसी के पश्चात तीसरे प्रकार की जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं वो ये होंगी जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो सांद्रताएं हैं वो तुलनात्मक होती हैं, ना तो किसी की सांद्रता बहुत कम ना तो किसी की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को
औद्योगिक प्रक्रम में उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करने जा रहे हैं और यदि हमें पता है कि इस अभिक्रिया में साम्यावस्था किस स्थान पर प्राप्त होती है, यानी कि अभिक्रिया के कितने पूर्ण होने पर प्राप्त होती है, तो हम क्योंकि जो औद्योगिक प्रक्रम होते हैं उनका उद्देश्य ही होता है अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त करना। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो प्रायोगिक परिस्थितियाँ हैं उसको इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं जिससे कि जो साम्यावस्था है वो काफ़ी अभिक्रिया होने के पश्चात, यानी कि 98% 99% होने के पश्चात प्राप्त हो या प्राप्त हो भी ना, और इसलिए जिससे कि हमारे अधिक से अधिक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। तो इस तरह से हम देखें कि रासायनिक अभिक्रियाओं में साम्यावस्था का ज्ञान होने पर हमें इसका उपयोग अपने औद्योगिक परिस्थितियों औद्योगिक प्रक्रमों में कर सकते हैं। इसके पश्चात हम जानते हैं रासायनिक साम्यावस्था की कुछ विशेषता या लक्षण। जैसे कि हमने कहा कि जो रासायनिक साम्यावस्था है वह केवल उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं या उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही हमें प्राप्त होती है, और जैसे ही रासायनिक साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है इस समय अग्रिम अभिक्रिया की दर प्रतीप अभिक्रिया की दर के बिल्कुल बराबर हो जाती है। साथ ही साथ इस स्थिति में जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता तथा उत्पाद हैं उनकी सांद्रता स्थिर हो जाती है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया रुक गई है। यहाँ तक हम देखें कि जो औसत रूप से देखने पर इनकी सांद्रताओं में हमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, लेकिन तात्कालिक रूप से देखने पर इनके अभिकारकों का उत्पाद में और उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि इनकी एक दूसरे में परिवर्तित होने की गति या वेग समान हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल देखने पर औसत रूप से देखने पर हमें इनकी सांद्रताओं में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, अर्थात ये स्थिर हो जाती हैं। वास्तव में यहाँ पर जब हम साम्यावस्था की बात करते हैं तो इस साम्यावस्था में हम कह सकते हैं कि यह साम्यावस्था किसी भी निकाय की सबसे स्थायी अवस्था होती है। वास्तव में इसमें अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया को आगे ले जाने वाले जो कारक होते हैं फैक्टर होते हैं वे आपस में इस प्रकार का संतुलन स्थापित करते हैं जिससे अभिक्रिया मिश्रण या हम कहें निकाय को एक स्थायित्व प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी निकाय को स्थायित्व तब प्राप्त होता है जबकि इसके लिए जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल्टा जी का मान है वह न्यूनतम हो या शून्य हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त होती है उस समय यहाँ पर जो डेल्टा जी का मान है वह न्यूनतम या शून्य हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो साम्यावस्था है यहाँ पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर जरूर हो जाती हैं, लेकिन यह साम्यावस्था गतिक प्रकृति की होती है। यह किस प्रकार से गतिक है इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें कि अभिकारक ए अभिकारक बी के साथ क्रिया करते हैं तथा उत्पाद सी एवं डी का निर्माण करते हैं। शुरू में हम जानते हैं अभिक्रिया के प्रारंभ में हमारे पास केवल अभिकारक होते हैं। मान लीजिए हमारे पास अभिकारक की मात्रा 100 है तथा उत्पाद की मात्रा 0 है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है कुछ समय के पश्चात अभिकारक की मात्रा कम होने लगती है जबकि उत्पाद की मात्रा बढ़ने लगती है। मान लीजिए कुछ समय के पश्चात अभिकारक की मात्रा 80 तथा उत्पाद की मात्रा 20 हो गई है। कुछ और आगे जाने पर अभिकारक की मात्रा 60 तथा उत्पाद की मात्रा 40 हो जाती है। इसके पश्चात थोड़ा हम और आगे जाएं तो हम देखें कि अभिकारक कम होकर 40 हो जाते हैं जबकि उत्पाद बढ़कर 60 हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि हम और सांद्रताओं का अवलोकन करें तो हमें दिखता है कि इसके पश्चात ना तो अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन हो रहा है ना ही उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और इस स्थिति में हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो गई है। वास्तव में यहाँ पर अभिक्रिया रुकी नहीं है क्योंकि जिस गति से अभिकारक के अणु
परिवर्तित होकर उत्पाद बना रहे होते हैं, उसी समय उत्पाद के अणु परिवर्तित होकर अभिकारक बना रहे होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से देखने पर हमें अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसे हम एक इस उदाहरण के द्वारा और समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें आपको ऊपर से एक इनलेट है और नीचे की तरफ एक आउटलेट है। इसमें पानी का एक निश्चित तल है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो इनलेट है उसमें से लगातार पानी आ रहा है, जबकि आउटलेट जो नीचे है उससे लगातार पानी बाहर जा रहा है। आने की क्रिया भी जारी है और जाने की क्रिया भी जारी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पानी का तल है वह ज्यों का त्यों है, स्थिर है। यह इस कंटेनर की साम्यावस्था स्थिति को दर्शाती है। यहाँ पर स्पष्ट है कि पानी जिस गति से अंदर आ रहा है उसी गति से पानी वापस भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी के आने की दर पानी के निकलने की दर के बराबर है और इसीलिए यहाँ पर पानी का तल बिल्कुल स्थिर है। यही अवस्था हमें रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलती है। यदि यहाँ पर पानी आने की दर ज़्यादा होती और पानी के निकलने की दर कम होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर समय के साथ पानी का लेवल ऊपर हो जाता। दूसरी ओर यदि पानी के निकलने की दर अधिक होती और पानी के आने की दर कम होती तो इस स्थिति में निश्चित रूप से पानी का दल जो तल है वह नीचे चला जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर पानी के आने और पानी के निकलने की दर बिल्कुल निश्चित है और इसीलिए यहाँ पर जो पानी का तल है हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई नहीं देता, हालांकि यहाँ पर क्रिया लगातार जारी है और यही क्रिया होती है रासायनिक अभिक्रियाओं में। जबकि यहाँ पर अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने की दर तथा उत्पाद के पुनः अभिकर्मक में परिवर्तित होने की दर स्थिर हो जाती है, बराबर हो जाती है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया होती रहती है और इसीलिए कहा जाता है कि साम्यावस्था गतिक होती है। रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की गतिक प्रकृति को समझाने के लिए हैबर नामक वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए। इन्होंने नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस की भिन्न भिन्न मात्राओं को लेकर कई अमोनिया के निर्माण किया तथा इस प्रयोग को कई बार दोहराया। इन्होंने देखा कि जब एक अभिक्रिया पात्र में हाइड्रोजन गैस की तथा नाइट्रोजन गैस की एक निश्चित मात्रा ली तथा इस बंद पात्र में को कुछ समय के लिए रख दिया और उसके पश्चात उन्होंने समय समय पर बनने वाली अमोनिया गैस की सांद्रता का अवलोकन किया तो उन्होंने पाया कि कुछ समय तक तो अमोनिया गैस की सांद्रता बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात फिर अमोनिया की सांद्रता बढ़नी बंद हो जाती है, यानी कि इसकी सांद्रता स्थिर हो जाती है। इसी तरह से उन्होंने अमोनिया के निर्माण के पश्चात जो शेष बचे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे उनकी भी सांद्रता का परीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि कुछ समय तक तो इनकी सांद्रताओं में कमी आती गई, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात इनकी सांद्रताएं भी स्थिर हो गई, जिसे हम यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हमने एक्स एक्सिस पर अभिक्रिया के होने की दर या समय को रखा हुआ है तथा वाई एक्सिस पर यदि हम सांद्रता लेते हैं, यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की एक निश्चित सांद्रता है तथा हाइड्रोजन की एक निश्चित सांद्रता है और यहाँ पर अमोनिया की सांद्रता शून्य है क्योंकि हमारे पास प्रारंभ में अमोनिया नहीं है। जैसे जैसे ये अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो हम देखें कि जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है वह अमोनिया जो कि शून्य स्थिति पर थी धीरे धीरे इसकी सांद्रता बढ़ती है और एक निश्चित समय के पश्चात यह स्थिर हो जाती है। उस समय यहाँ पर जो हमें कर्व जो प्राप्त हो रहा है वह एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है। इसी तरह से हम यदि हाइड्रोजन की सांद्रता का अवलोकन करें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ समय तक हाइड्रोजन की जो सांद्रता है कम होती है और उसके बाद फिर वह स्थिर हो जाती है। इसी तरह से नाइट्रोजन की सांद्रता भी समय के साथ कम होती है और उसके बाद स्थिर हो जाती है। जहाँ पर इनकी सांद्रताएं यानी कि अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं वहीं पर हम कहते हैं कि साम्यावस्था स्थापित हो गई है।
लेकिन यहाँ पर हम देखें कि साम्यावस्था स्थापित होने के पश्चात क्या अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसकी गतिक प्रकृति को जानने के लिए इसी अभिक्रिया को यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर इसके समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग करके किया गया। जब यहाँ पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया मिक्सचर थी, एक निश्चित समय के पश्चात यहाँ पर हमें अमोनिया की जगह पर ND3 तथा हाइड्रोजन की जगह पर D2 की मात्रा प्राप्त हुई। इस तरह से यहाँ पर भी उनकी निश्चित मात्राएं थीं जो ये दर्शाती थीं कि निश्चित समय के पश्चात यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अब इस प्रकार दोनों जो साम्य मिश्रण थे इनको आपस में मिश्रित कर दिया गया और उसके पश्चात जब इनका अध्ययन किया गया, परीक्षण किया गया, तो ये देखा गया कि जो साम्य मिश्रण था उसमें साम्यावस्था स्थापित होने के पश्चात भी कई नए प्रकार के अमोनिया के अणु प्राप्त हुए, जिसमें कि अमोनिया NH3 था, इसके अलावा NH2B, NHD2 जैसे प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए, इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह पर H2 भी था, HD भी था और D2 भी प्राप्त हुए। यदि साम्यावस्था पर अभिक्रिया समाप्त हो गई होती या रुक गई होती तो हमें इस प्रकार के जो उत्पाद हैं वह प्राप्त नहीं होते और यह प्रयोग दर्शाता है कि यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित होने पर अभिक्रिया रुकते नहीं है, अभिक्रिया गतिक प्रकृति में चलती रहती है। यहाँ पर केवल अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं क्योंकि अभिकारक जिस वेग से परिवर्तित होकर उत्पाद बना रहे होते हैं उसी वेग से उत्पाद परिवर्तित होकर अभिकारक बना रहे होते हैं। यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया या उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर समय को लेते हैं, अभिक्रिया के होने के समय को लेते हैं, तथा वाई एक्सिस पर यदि हम अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताएं को लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं तो जो सामान्य हमें जो अभिक्रिया होगी उसमें हम जानते हैं कि प्रारंभ में हमारे पास अभिकारकों की मात्रा 100% होती है जबकि उत्पाद की मात्रा हमारे पास 0 होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया होती है अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाने लगते हैं और इस तरह से अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है और इस तरह से हमें जो कर्व प्राप्त होता है वह नीचे झुकता हुआ प्राप्त होता है। तथा दूसरी ओर यदि हम उत्पादों की सांद्रता को देखें तो उत्पादों की सांद्रता प्रारंभ में 0 होती है और इसके पश्चात जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है जो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने लगती है और इसके लिए जो हमें कर्व प्राप्त होता है यह बढ़ता हुआ कर्व प्राप्त होता है। एक निश्चित समय के पश्चात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कर्व जो है वह एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाते हैं जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ पर साम्यावस्था प्राप्त हो गई है। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार का जो कर्व हमें प्राप्त हो रहा है जिसमें कि अभिकारकों के कर्व उत्पाद के कर्व को काट रहे हों, हमें किसी भी प्रकार के यहाँ पर कर्व प्राप्त हो जाते हैं लेकिन हमें यह देखना होता है कि घटता हुआ कर्व या बढ़ता हुआ कर्व किस बिंदु पर जाकर एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है जहाँ पर इनकी सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और यही बिंदु दर्शाता है कि साम्यावस्था स्थापित हो गई है। इस तरह से यदि यहाँ पर हम दूसरा ग्राफ देख सकते हैं, यदि हम देख रहे हैं कि अभिकारकों के परिवर्तित होने की दर अधिक होगी तो यहाँ पर हमें जो अभिकारकों वाला कर्व होगा काफ़ी नीचे जाएगा, तेजी से नीचे जाएगा तथा उसके पश्चात ये एक्सेसिस के समांतर होगा। उसकी तुलना में यदि प्रोडक्ट के उत्पादों के अभिकारकों में परिवर्तित होने की दर धीमी धीमी चल रही है तो उससे जो कर्व होगा वो हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ प्राप्त नहीं होगा और इस तरह से हम देखेंगे कि जो साम्यावस्था बिंदु तो वहीं पर प्राप्त होगी लेकिन जो कर्व या ग्राफ हमें मिलेगा वह बिल्कुल आइडल ग्राफ की तरह नहीं होगा। तो ग्राफ किस प्रकार हमें मिलेगा यह अभिक्रिया के होने की दर पर निर्भर करता है लेकिन हम यह कहते हैं कि ग्राफ किस प्रकार का भी हो लेकिन साम्यावस्था हमें एक ही बिंदु पर प्राप्त होगी। इस तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्यावस्था का अध्ययन करने के पश्चात हम रासायनिक साम्यावस्था या भौतिक साम्यावस्था के विषय में एक
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो साम्यावस्था है वह गतिक होती है। साम्यावस्था पर जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं ये बंद पात्र में ही प्राप्त होती हैं। यहाँ पर जो अग्र अभिक्रिया की दर है वह पश्च अभिक्रिया की दर के बिल्कुल बराबर हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर बनी रहती हैं। यह साम्यावस्था जो है वह रिवर्सिबल भी होती है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि यह स्वतः प्रवर्तित भी होती है, यानी कि यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उसमें यदि हम बंद पात्र में अभिकारकों को रखते हैं तो यह अभिक्रिया बढ़ने लगती है, अग्र दिशा में चलने लगती है और उसके पश्चात ये कुछ समय के पश्चात पश्च दिशा में चलने लगती है और एक निश्चित समय के पश्चात हमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी साम्यावस्था है एक बार स्थापित हो जाने पर यहाँ पर जो निकाय के वृहद गुण होते हैं जैसे कि सांद्रता, ताप, दाब या फिर रंग, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह रासायनिक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। यह हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था को यदि उत्प्रेरक की सहायता से जल्दी आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये अग्र अभिक्रिया की दर तथा पश्च अभिक्रिया की दर दोनों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो टोटल अभिक्रिया है वह जल्दी पूर्ण हो सकती है। लेकिन साम्यावस्था जिस बिंदु पर आती है या अभिक्रिया के जितने पूर्ण होने पर आती है साम्यावस्था उसी बिंदु पर प्राप्त होती है, यानी कि जो उत्प्रेरक हैं वह साम्यावस्था की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते, हालांकि ये साम्यावस्था को जल्दी प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।